How to get your first sale. So hey guys, again welcome back to my channel. My name is Ridhu Upadhyay. और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे how to get your first sale organically. हमें अपनी पहली सेल को कैसे क्लोज करना है, हम अपनी पहली सेल को कैसे ला पाएंगे, ठीक है, अपने अपने बिजनेस में अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो तो. ओके, सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे उसका. एंड मैंने कैसे क्लोज किया था अपनी पहली सेल, वो भी स्टोरी मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करने वाला हूँ, आपको शो करने वाला हूँ. ओके गाइस, सो बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीज जो आपको पहले अंडरस्टैंड करनी है वो ये है, आप जो भी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑर्गेनिकली की, कि हमें अपनी पहली सेल ऑर्गेनिकली कैसे क्लोज करनी है. ऑर्गेनिकली का मतलब क्या होता है कि हमें कोई एड नहीं चलाना, हमें अपने सोशल मीडिया का यूज करके अपनी सेल को हमें क्लोज करना है. ओके, सो जो हमारा पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है हमारी पहली सेल को क्लोज करने में, इवन पहली जो सेल होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. ओके, पहली सेल के लिए बहुत ज्यादा लोग स्ट्रगल करते हैं एंड बहुत ज्यादा लोग गिव अप कर देते हैं बिकॉज अपनी पहली सेल ही क्लोज नहीं कर पाते. ओके, सो पहली सेल जो होती है हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड उसी को क्लोज करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है. एंड जो सबसे बेस्ट फीलिंग आती है हमें वो पहली सेल पर ही आती है, बिकॉज आई रिमेंबर, या मुझे अभी भी याद है कि जो मेरी पहली सेल क्लोज हुई थी वो दिन, ओके, और वो रात का समय था, मैं उस पर्सन से बात कर रहा था कॉल पे, मतलब इट वाज सुपर, वो जो अमेजिंग फीलिंग थी वो बहुत बहुत ज्यादा अमेजिंग थी, राइट. सो वो कैसे मैंने क्लोज किया था वो भी मैं आपको बताऊंगा आज, एंड आप कैसे क्लोज कर सकते हो, सो स्टे ट्यून. एंड जो मैंने बताया आपको कि जो इंपॉर्टेंट पहला फैक्टर होता है वो ये होता है कि आप किस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट है वो कैसा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और आपने अपने प्रोडक्ट को सही से अंडरस्टैंड किया है या नहीं किया, आपने अपने प्रोडक्ट को यूज़ किया है या नहीं किया. लेट सपोज करो कि आप कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, कोई कम्युनिकेशन कोर्स कोई प्रमोट कर रहे हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट, डिजिटल प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो आप ऑनलाइन. ओके, सो जो आपका पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैटर करता है वो ये है कि आप अपने कोर्स को कंप्लीट करो, उसको सही से लो. बिकॉज एक ऐसा टाइम था जब मैं एक यूएस का प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा था और मैंने उस प्रोडक्ट को यूज़ भी किया, लेकिन वो प्रोडक्ट ऐसा था मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था, बट मैं बस पैसे कमाने के लिए, थोड़ा कमीशन पाने के लिए मैं उसको प्रमोट करना चाहता था, बट मैं फिर भी उसको प्रमोट नहीं कर पा रहा था. व्हाई? बिकॉज मुझे अपने प्रोडक्ट पे बिलीव ही नहीं था. पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो आपका ये आता है कि आपको अपने प्रोडक्ट पे बिलीव होना चाहिए. बिलीव कैसे आएगा? जब आप अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से यूज करोगे. इवन आप कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो उसको पहले खुद यूज करके देखो कि जो आप लोगों को सेल कर रहे हो क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है. अगर वो आपके लिए बेनिफिशियल है देन आप उस चीजों को बहुत अच्छे तरीके से अपने कस्टमर के सामने और शोकेस कर सकते हो, राइट. तो पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है कि जो आपका प्रोडक्ट है उसकी सारी ट्रेनिंग को, उसके हर एक चीज को सही से अंडरस्टैंड करो एंड तभी मार्केट में जाके आप प्रमोट करना चालू करो अपने उस प्रोडक्ट को जिसको आप प्रमोट कर रहे हो. एंड जो दूसरा आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है हमें पहली सेल को क्लोज करने में वो आता है आपका कस्टमर अवतार. हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि यार हम अपना प्रोडक्ट किसको सेल कर रहे हैं. मैं आपको कस्टमर अवतार पूरा बताने नहीं वाला, उसका नेम, उसका एज, क्या क्या फैक्टर होने चाहिए उसमें, नहीं. मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपका प्रोडक्ट है ये खरीदने कौन वाला है, तभी आप अपनी पहली सेल भी क्लोज कर पाओगे. मोस्ट लोग क्या करते हैं, इवन जितने लोगों को मैंने ट्रेन कर रखा है या फिर अगर मैं भी पहले स्टार्ट किया था अपने बिजनेस को, मैंने कोई प्रोडक्ट को प्रमोट करना स्टार्ट किया था बिना सोचे समझे, बिना किसी चीज को अंडरस्टैंड करे, हम बस मार्केट में चले जाते हैं प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए बिकॉज ऑफ मनी. हम बस सोचते हैं कि यार कहीं ना कहीं से कमीशन मिल जाए, कहीं ना कहीं से बस सेल आ जाए, राइट. हम बस ये सोचते हैं और ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है गाइस, राइट. सो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मैंने आपको बताया, जो पहला मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं, एंड जो दूसरा है वो ये है कि आप सही से अपने टारगेट ऑडियंस को समझो कि आप सेल किसको करना चाहते हो. बिकॉज जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि जो ये कंघी है, जो फिर ये चीज है, ऑब्जेक्ट है, ये सेल किसको करना है, आप अपनी पहली सेल ही क्लोज नहीं कर पाओगे. सो आपको जो आपका कस्टमर अवतार होता है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, ठीक है, आपको अपनी पहली सेल को क्लोज करने में. ओके, ये बहुत ही बेसिक चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये बेसिक चीज ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड गाइस, अगर आपकी पहली सेल अभी तक नहीं आई है, आपका पहला मंथ हो चुका है, दूसरा मंथ हो चुका है बिजनेस करते हुए, डोंट वरी गाइस, कोई दिक्कत नहीं है. ऑर्गेनिकली थोड़ा सा टाइम लगता है. ओके, ऑर्गेनिकली आपको कैसे करना है वो मैं चार अमेजिंग स्टेप आपको बताने वाला हूं. मैं दो स्टेप बता चुका हूं, तीसरा स्टेप क्या है कि आप ऑर्गेनिकली कर रहे हो और आप ऑनलाइन कर रहे हो. सो मेन फैक्टर यहां पे क्या आता है कि आपको अपनी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्रेजेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा. इवन जब मैंने स्टार्ट किया था मैं सोशल मीडिया पे सही से अवेलेबल भी नहीं था,
मैं अपने इंस्टाग्राम पे अवेलेबल नहीं था. ओके, मैंने उस टाइम पे ही अपने 5 मंथ पहले अपना इंस्टाग्राम स्टार्ट किया है अभी, राइट. सो मैं उस टाइम पे अवेलेबल भी नहीं था. ओके, सो मैंने हर एक चीज बेसिक से स्टार्ट किया. सो मेरे को पता है कि अगर बेसिक से मुझे ग्रो करना है तो कैसे ग्रो करना है अपने. सो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपको अपने सोशल मीडिया पर अपना प्रेजेंस बनाना पड़ेगा, बिकॉज यू आर डूइंग अ ऑनलाइन बिजनेस. आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो आपका ऑनलाइन प्रेजेंस ही बहुत ज्यादा मैटर करता है. इवन अगर आपके पास कोई पर्सन आएगा प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, क्यों आएगा? आपका प्रोफाइल देखकर, राइट. सिंपल सी बात है कि आपका बायो, आपका कवर फोटो. ओके, इसको हम बोलते हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन. इसके ऊपर भी मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा इन फ्यूचर में, ठीक है. तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर ना जाते हुए मैं बस बेसिक बता रहा हूं कि आपका कवर फोटो, आपका बायो एंड आपका प्रोफाइल पिक्चर, आपकी फीचर्स फोटो एंड ये सारी चीज आपका मैटर करती है. जब ये एक प्रॉपर वे में होती है, इसको हम कहते हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, राइट. तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है कि आपका जो कवर फोटो है आपके बिजनेस को रिफ्लेक्ट कर रहा हो कि हाँ यार आप क्या बिजनेस करते हो. आपका प्रोफाइल पिक्चर प्रोफेशनल होना चाहिए, बढ़िया सा. आपका बायो दिखा रहा हो साफ साफ कि हाँ आप क्या करते हो. ओके, एंड आपकी फीचर्स फोटो, आपका लाइफस्टाइल शो कर रहा हो. तो ये कुछ फैक्टर होते हैं जो कि आपके प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करते हैं. मैं फेसबुक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट. तो जो मैंने थर्ड स्टेप आपको बताया वो ये बताया कि आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है. इट टेक सम टाइम बट इट विल बी वर्थ इट. ओके, अगर आप अपना पहला आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को देखो और एक महीने का टारगेट बनाओ कि आपको पहली सेल अपने निकालनी है. आई एम डैम श्योर अगर आप ये सारे स्टेप फॉलो करोगे आपकी पहली सेल बहुत जल्दी आ जाएगी, राइट. सो मैंने ये तीन स्टेप आपको बता दिया आपको. और अगर आपको अपने सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो करना है, ओके, अगर आप अपनी पहली सेल को लॉस करना चाहते हो तो आप 4 स्टेप को फॉलो करो. मैं किसी भी अगर आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो ऑनलाइन ऑर्गेनिकली और वो डिजिटल प्रोडक्ट है आपका, तो 4 स्टेप आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको वो फॉलो करने पड़ेंगे. पहला चीज़ आपका प्रोफाइल पिक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोफाइल पिक्चर पूरा ऑप्टिमाइज होना चाहिए. ओके, मैं ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर नहीं जा रहा, आपको पता है ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, राइट. और जो सेकंड चीज़ होती है आपका होता है कॉन्टेंट. ओके, अगर कोई पर्सन आपके प्रोफाइल पर आता है और उसके बाद उसको कुछ दिखता ही नहीं है, ठीक है, आपकी दुकान में कोई आया लेकिन सामान ही नहीं है, वो क्या परचेस करेगा, राइट. आपके प्रोफाइल पे कुछ कंटेंट होना चाहिए, उसको कुछ वैल्यू मिलना चाहिए, राइट. सो सिंपल सी बात है, आपका प्रोफाइल उसके ऊपर कुछ ना कुछ आपके निश के अकॉर्डिंग, आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उस पर कॉन्टेंट होना चाहिए ताकि आपकी टारगेट ऑडियंस आपके प्रोफाइल पर आए और आपके कॉन्टेंट को कंज्यूम करके कुछ वैल्यू गेट करे वो, राइट. सो सेकेंड स्टेप आपका कॉन्टेंट एंड थर्ड स्टेप क्या है आपका रीच. आपकी रीच, आपकी जो प्रोफाइल है वो कहाँ तक रीच कर रही है. आपकी जितनी विजिबिलिटी होगी आप उतना ही ज़्यादा सेल कर पाओगे अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को, राइट गाइस. और तीसरा स्टेप क्या है आपकी रीच. और आप रीच को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, डिफरेंट ग्रुप्स में अपने प्रोफाइल को, अपने पेज को प्रमोट करके, राइट. एंड जो फोर्थ स्टेप है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका टॉक. किया आप अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने क्लाइंट से कॉल पे कैसे बात करते हो. ओके, आपने सब कुछ बता दिया अपने प्रोडक्ट के बारे में. अब जो मेन फैक्टर आता है वो आपका तो क्लोजिंग का आता है कि आप अपने प्रोडक्ट से, अपने कस्टमर से अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे बात करते हो. तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ओके, सो ये कुछ स्टेप है गाइस, अगर आप इनको राइट तरीके से फॉलो करते हो तो आप अपनी पहली सेल क्लोज करते हो. मैं इसको समराइज कर देता हूं. स्टार्टिंग में मैंने 3 स्टेप बताए कि अगर आपको अपना पहला, अगर आप अपना प्रोडक्ट चुन रहे हो तो प्रोडक्ट को पहले सही से देखो, समझो, अंडरस्टैंड करो कि आपका प्रोडक्ट क्या है. दूसरी चीज, अपने कस्टमर अवतार को समझो कि आपका कस्टमर अवतार कैसा है, आपको किसको सेल करना है. एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस को इंक्रीज करना है, अपने सोशल मीडिया प्रेजेंस को बढ़ाना है. ओके, और फिर मैंने आपको वो 4 स्टेप बताए कि अगर आपको रियली अगर आपको पहली सेल क्लोज करनी है तो जो ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको फॉलो करना है. और ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं अपने बिजनेस में अभी फॉलो करता हूं. और ये 4 वो गाड़ी के पहिए हैं जो कि मुझे बिजनेस में एक बहुत अच्छी तरीके से ले जा रहे हैं. और इसी स्टेप से मैं 6 फिगर अर्निंग कर रहा हूं आज के टाइम पे. ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही. बाय बाय, थैंक यू सो मच. कीप अर्निंग, कीप गोइंग, बेस्ट लक फॉर द डे गाइस, एंड कीप स्माइलिंग. आई होप कि आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिली हो. अगर इस वीडियो से किसी एक पर्सन की भी पहली सेल निकलती है देन ये वीडियो बनाना मेरे लिए वर्थ इट रहा. ओके गाइस, सो आज के लिए इतना. And again, keep smiling, keep learning, keep going. Bye-bye, take care, and keep smiling.